ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक ऐसा वृक्ष है बेलपत्र, जिसके नीचे शाम के समय प्रतिदिन माता लक्ष्मी निवास करती हैं। दोस्तों, सोमवार के सोमवार या फिर केवल पांच सोमवार बेलपत्र पेड़ के नीचे घी का दिया लगाना शुरू कर दीजिए और बेलपत्र के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी अपने घर में लाकर रख लीजिए। आप ऐसा पाँच सोमवार करके देखना, छठे सोमवार को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आपके पति का व्यवसाय, जिस भी व्यक्ति का व्यवसाय है, उसका व्यवसाय इतना उन्नति करेगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। शिव पुराण की कथा को सुनकर पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता या लक्ष्मी की थोड़ी सी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्र के पेड़ का पूजन चालू कर देना चाहिए। सुबह बेलपत्र के पेड़ को जल चढ़ाएं, फिर उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे शाम के समय भगवान देवाधि महादेव और गौरी शंकर को याद करके बेलपत्र के पेड़ की ओर अपना मुख करके बेलपत्र पेड़ की छाया में बैठकर पंचाक्षर मत ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करके अपने मन की बात को उमापति महादेव से कह देना, आपकी इच्छा बाबा पूरी कर देंगे। शिव पुराण की कथा कहती है कि सोमवार के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवता बैठकर उमापति महादेव का पूजन स्मरण करते हैं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, उमापति महादेव से अगर आप बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें मानते हैं, तो आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूंगी कि मनुष्य का शरीर जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना। उसको बड़ा करके जैसे आप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक वैसे बेलपत्र के पेड़ का सिंचन देखभाल कर महादेव से कहना कि मैं अपनी जिंदगी में मर भी जाऊं तो मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल आपको चढ़ाए न चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाए न चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्र का लगा दिया है। अगर मैं मर भी जाऊं या मर भी गया तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र देवाधि महादेव आप पर चढ़ती रहे। हर हर महादेव।